नमस्कार, यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से इस समय की लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 21 से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन टीम की राज्य स्तरीय पर मीटिंग पंचकुला के सेक्टर 21 के संविधायक भवन में हुई है। मीटिंग में एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन की 10 जिलों की टीमें इस मीटिंग में पहुंची, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, झिरकपुर, अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत, रिवाड़ी, हिसार और सोनीपत की टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेशनल प्रेसिडेंट अमित मानकर जी द्वारा सभी टीमों का स्वागत किया गया और आए हुए सभी पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ACCP के नेशनल प्रेसिडेंट और हरियाणा राज्य के चेयरमैन सुमित सिंगला द्वारा क्राइम को रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान भी किया गया और क्राइम को कैसे रोके, किसे लोगों की मदद करें विस्तार रूप से समझाया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में ACCP के नेशनल प्रेसिडेंट अमित मानकर जी, नेशनल डायरेक्टर गौरव भंडारी जी, हरियाणा राज्य के चेयरमैन सुमित सिंगला जी, हरियाणा के डायरेक्टर परवीन जी, नेशनल प्रोवाइडर अनिल गोयल जी, स्टेज संचालक कोमल ओब्राय जी और साथ ही साथ डॉक्टर दिव्या जी ने मुख्य रूप से अपना बढ़ चढ़कर समर्थन दिया। तस्वीरें इस समय की आपको पंचकुला के 21 सेक्टर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आज हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज जो भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, वो चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसी अपराध को समाज से इन आपराधिक गतिविधियों को कम करने में एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन की टीम हमेशा आगे आती आई है और आगे के लिए भी लोगों की हर तरह की समस्याओं को सुनने के लिए, उन्हें उन समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए एंटी करप्शन की जो ये प्रिवेंशन की टीम है आगे भी बढ़ चढ़कर अपना पूरा समर्थन देगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी पदाधिकारी इस मीटिंग में पहुंचे हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों से सबका जो है स्वागत किया गया और साथ ही साथ पत्रकारों का भी इस मीटिंग में स्वागत किया गया। तो तस्वीरें इस समय की आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर दिन एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन की जो टीम है वो राज्य स्तर पर किस तरह से बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से जो टीम है पहुँच कर किस तरह से सभी ने अपना बढ़ चढ़कर समर्थन दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मान सम्मान जो है किया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें आपको पंचकुला के सेक्टर 21 से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे के लिए जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं पत्रकार बंधुओं को भी इस मीटिंग में जो है सम्मानित किया गया है, क्योंकि एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन हमेशा से ही समाज में कार्य करती आई है और आगे भी समाज से इन अपराधी गतिविधियों को दूर करने के लिए जो उनका समर्थन है हमेशा आने वाले समय में भी दिखाई देगा। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है जो जो दर्शक हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। भैया बात थोड़ी पीछे हो ना, पीछे रहो ना प्लीज, मीटिंग बताओ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाउ आई रिक्वेस्ट गौरव भंडारी, थैंक यू सो मच। एंड वी करते हैं ना, और इन लोगों ने इतना हार्ड वर्क करा, 24/7 दे आर ऑन देयर टोस। दे हैव डन द वर्किंग फॉर सोशल पीपल, दे आर वर्किंग फॉर ओल्ड ऑर्फेंस होम्स। किसी तरह का क्राइम हो, किसी तरह का राइट का काम हो, दे आर टोटली गिविंग स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन इन द कॉलेजेस एंड यू ऑल आर द यूथ जनरेशन। आजकल इंडिया में बहुत कुछ है, बट टुगेदरनेस ऑफ पार्ट्स विल गिव अ हैप्पीनेस फॉर दिस। एक इंसान को दुखी देखने में अगर हम उसकी छोटी सी मदद कर देते हैं, इट इज नॉट अ मॉनेटरी पार्ट एवरीवेयर, आपकी छोटी सी संस्था क्या है और ये संस्था क्या कर सकती है और इसकी क्या पावर है। सबसे पहले मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिन्होंने ये बोला कि एंटी करप्शन जो करप्शन करते हैं हम अपने बच्चों को बताएं ये करें। मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा वो ये, करप्शन कभी भी होता है ना जी, हम ये नहीं कहेंगे करप्शन जो होता है वो डिपार्टमेंट से शुरू होता है। कभी भी करप्शन हम ये नहीं कहेंगे डिपार्टमेंट से शुरू होता है, करप्शन शुरू होता है सबसे पहले हम लोग आम पब्लिक से। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण दूंगा, अगर हमने किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम कराना हो
दूसरा बंदा अगर कोई कहेगा कि मेरा काम अभी टाइम लगेगा, कुछ लगेगा, वो आप सब में से या हम सब में से, आम पब्लिक में से सबसे पहले ये बिल्डिंग होगी यार ले देकर काम करवा दे। सबसे बड़ा है कि तू ले देकर काम करवा दे, चाहे जितना लगता है मैं उतना देने को तैयार हूँ। जिस वक्त ये बात आम पब्लिक के मन से हट जाएगी ना, और ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। अब आप बाहर देखते हो, हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा करप्शन में माना जाता है। आप कभी फॉरेन में देखो किसी में तो ये सुनने में आया कि यहाँ करप्शन है या यहाँ करप्शन है, हमारे इंडिया में मानी जाती है करप्शन। उसका मेन कारण करप्शन का यही है क्यों हम बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारी एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन का जो मेन मोटिव है वो चाइल्ड लेबर, उसको रोकना, कोई भी दुखी हो उनका साथ देना, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बेकसूर है, वो तंग किया जा रहा है, उसका साथ देना। लेकिन हाँ ये है कि कोई भी इलीगल काम कर रहा है उसका साथ, हमारी कोई भी संस्था उसका साथ नहीं देगी, किसी चीज़ का भी साथ नहीं देगी। और सच्चाई के लिए हमारी जो करप्शन एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन है वो हर वक्त हर घड़ी 24/7 साथ खड़ी है। और जैसे हमारे सुनील जी ने कहा है, वो हमारे हरियाणा के स्टेट चेयरमैन है, यहाँ पर जितने भी हमारे डिग्निटीज आए हुए हैं, आज की हमारी मीटिंग का मेन मकसद ये था कि हमारी हरियाणा की जितनी भी डिग्निटीज हैं वो एक दूसरे को पहचान लें। हमारे यहाँ से हरियाणा से, जैरकपुर से, चंडीगढ़ से, पंचकूला, मोहाली, यहाँ सारे से हमारे जितने भी डिग्निटीज आ रखे हैं वो एक दूसरे को जान पहचान के लिए आ रखे हैं। सबसे बड़ी बात होती है लाइजनिंग की। अगर हमारा हमें मालूम हो कि हमने दूसरी जगह में हमारा कोई प्रॉब्लम है या हमारी कोई बंदे की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे पंचकूला में ऐसा कौन बैठा है जो हमारी सुनवाई कर सकता है, या हमारा जैरकपुर में ऐसा कौन बैठा है जो हमारी सुनवाई कर सकता है। आज की जो मेन मीटिंग का मकसद यही था, हरियाणा स्टेट लेवल मीटिंग का, कि हम एक दूसरे को पहचान लें, एक दूसरे के बारे में जानकारी दे दें। दूसरी बात, एक और मैं बोलना चाहूँगा, एंटी करप्शन टीम अकेले के हाथ में कुछ नहीं है। जब तक हमारी अपनी टीम स्ट्रांग नहीं बनेगी, आपने एक छोटे जब बच्चे की एक स्टोरी सुनी होगी, एक बांस का डंडा कोई भी है, एक आम बंदा कोई भी बच्चा भी तोड़ लेता है, जब तक उसको गठिया पूरा बना के तोड़े वो टूट नहीं सकता। वैसे ही अगर हमारी एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन की जो मेंबर्स हैं वो अगर एकजुट हो जाएं और हमारी टीम बढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को कहीं भी करप्शन रोकने में हमारे को दिक्कत आएगी, और हर एक कोशिश कर सकता है कि करप्शन रोकने में। मैं यही हमेशा साथ दूंगा कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं अपनी टीम को बढ़ावा दें, टीम बनाएं और अच्छी टीम बनाएं, ताकि हम आगे कोई आंदोलन कुछ भी करना चाहें, किसी चीज़ को रोकना चाहें, तो हम उसको रोक सकें और अपना पूरा तत्पर साथ दे सकें। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ एंड स्पेशल थैंक्स टू ACCP टीम, जिन्होंने इतना कुछ कर दिखाया। मैं टीम को 4 साल से जानता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। किसी तरह का भी कोई कार्य हो, बहुत सी सोशल टीम्स काम कर रही है, लेकिन कोई भी नेशनल लेवल पे नहीं पहुँच पाए। यू शुड बी प्राउड दैट एंटी करप्शन एंड क्राइम इज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया लेवल। सो वी आर प्राउड कि आज जो हमारे पास आइडेंटिटी है ACCP की, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप क्राइम, वी आर नेक्स्ट टू पुलिस। जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें हम पार्ट ले सकते हैं, और स्पेशली जो पंजाब ने अब किया है क्राइम और करप्शन को हटाने के लिए, वो ये लोग 4 साल से कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी एपिसोड्स है, बहुत से ऐसे इवेंट्स है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन्होंने क्राइम को रोका है, करप्शन को रोका है, और ये सब जुनून देखते हुए आज आप सब लोग जुड़े हो। तो हमारे आसपास कभी भी किसी तरह का कोई क्राइम होता है, कोई करप्शन होती है, तो आप लोगों को आगे आना है, एंड यू हैव दैट पावर। और जो आइडेंटिटी हमने आपको दी है उससे आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ओपनली आ सकते हो, मीडिया आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ है, एंड दिस टीम इज़ नॉट ओनली इन चंडीगढ़, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर क्षेत्र, इट्स ऑल ओवर इंडिया। वी हैव मोर देन 3000 पीपल अमंग अस, 3000 से ज़्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप डालो, कुछ कहीं पे भी डालो कि जो क्राइम होता है, वी आर विद यू। एक्चुअली द पर्पस ऑफ ACCP टीम इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर कि हमें क्राइम रोकना है, हमें करप्शन रोकनी है। कहीं पे आपको लगता है कि बाल मजदूरी हो रही है, उसको रोकना है। किसी डिपार्टमेंट में आपको ऐसा लगता है कि करप्शन है, लोग परेशान हो रहे हैं, आप आवाज़ बनो, आप आगे आओ।
इस पर कुछ चीज़ें केयरफुली हमें करनी पड़ती है, लाइक कोई आपके पास आता है बताता है आपको कि कहीं क्राइम है या करप्शन है, आप उसे एक एफिडेविट लो ताकि वो कोई भी व्यक्ति पीछे ना हट पाए। सबूत इकट्ठे करो एंड डेफिनेटली वी विल विन, हम उसको सामने लेके आएंगे और क्राइम एंड करप्शन को रोकेंगे। बहुत सी एक्टिविटीज़ है, इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी कुछ किया, बेशक ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, कहीं फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट हो, हर प्रकार की एक्टिविटीज़ ACC की टीम हर वक्त हर जगह करती आई है। तो अगेन एंड अगेन आई थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड द टीम मेंबर्स ऑफ ACCP दैट वी आर प्राउड ऑफ यू। और आज आप लोगों ने पंचकुला में आके जो इस तरह का प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसे हम सब में एक जुनून आएगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, रियली थैंक यू। मुख्य अतिथि श्री अनिल जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारे यमुनानगर से, एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन कंट्रोल ब्यूरो के, श्री गौरव जी, नेशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन कंट्रोल यमुनानगर से, हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुमित गोयल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद जैन जी,